हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फन क्लास नंबर 09 ऑफ द वीडियो लेक्चर सीरीज प्रोबेबिलिटी। क्या है भाई ये, क्यों देख रहे हो ऐसे टुकुर टुकुर, क्यों देख रहे हो? सर, क्योंकि बेस थ्योरम आ गया है। डोंट वरी, ये क्या बोल रहा है, यू कैन सॉल्व दिस बेस थ्योरम क्वेश्चंस इन जस्ट 60 seconds। डेफिनेटली प्लीज बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वील बी लुकिंग एट द बेस थ्योरम। सी, मैं एक बार बताऊँ आपको, ये बेस थ्योरम आपको डिफिकल्ट क्यों लगता है? यू हैव ओनली टू रीजन्स वाई दिस बेस थ्योरम इज वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट रीजन इज योर फ्रेंड्स एंड अदर रीजन इज योर सीनियर्स। दैट्स, ये दो ही बंदे जो आपको ये बेस थ्योरम बहुत डिफिकल्ट बताते। योर बेस थ्योरम बहुत डिफिकल्ट है, कैसा करना है? ठीक है, ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नॉट फील दैट दिस बेस थ्योरम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस थ्योरम इज। सपोज यू हैव द फर्स्ट बॉक्स B1 इन विच यू हैव 5 red एंड सपोज 3 green balls एंड देर इज वन अनदर बॉक्स वेयर यू हैव 3 red balls एंड 4 green balls। ओके, बॉक्स B2। द क्वेश्चन इज यू हैव टू पिक अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल, पिकिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 B1। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम B1, ये तो पता है कि भाई B1 से ही निकालना है, B1 से ही निकालना है एंड रेड निकालना है, B1 से निकालना है एंड रेड निकालना। सो B1 से की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज 1/2। B1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, रेड की कितने, 5/8। ओके, ये हो गया रेड बॉल फ्रॉम B1। अभी सेकेंड केस क्या है कि भाई देखो, यहाँ पे सेम है, 3 red 4 green एंड यहाँ पे रहेगा 5 red and 3 greens। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई एक बॉल निकाला है, एक रेड बॉल निकाला है। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ड्रॉन वन रेड बॉल वी हैव ड्रॉन, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्रॉन रेड बॉल इज फ्रॉम B1। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक रेड बॉल निकल चुके, वी हैव ड्रॉन वन रेड बॉल इज ड्रॉन। ओके, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज फ्रॉम बॉक्स B1? यू आर गेटिंग द डिफरेंस फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल्स, आई होप। ओके, यहाँ पे क्या है कि भाई एग्जामिनर खुद से बोल रहे हैं कि B1 से रेड बॉल निकालना है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई रेड बॉल निकाला है। सो रेड बॉल निकालने की चांसेस कितने, आइदर यू कैन ड्रॉ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स और सेकेंड बॉक्स। ओके, सो एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई रेड बॉल तो निकल चुका है, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल इज फ्रॉम द बॉक्स B1? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, प्लीज वॉच दिस एग्जाम्पल वंस अगेन, बिकॉज दिस इज द बेस फॉर योर बेस थ्योरम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जामिनर इज टेलिंग यू कि B1 से ही रेड बॉल निकालना है, B1 सेलेक्ट किया है एंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रेड बॉल निकाला है बट फ्रॉम B1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स विथ विच यू विल बी अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इजिली। सी हियर, बैग 1 कंटेन्स 3 red and 4 black balls while bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags. Pata nahi kaun se bag se nikalna hai, theek hai? And it is found that it is to be red and it is found that to be red. Matlab kya bol raha hai ki bhai ye dono bag mein se pata nahi ki kis mein se nikala hai, but jo nikala hai wo red ball hai. Find the probability that it is drawn from the bag number 2. Okay, kaun sa event occur ho chuka hai कि भाई ये रेड बॉल की इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, मतलब क्या है, दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, बट डू वी रिक्वायर टू अप्लाई द कंसेप्ट फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नो। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ ट्रिक। कैसा है देखो, सबसे दिस इज अ नोड, सो व्हाट वी हैव इज अ ट्री। ट्री का ट्रिक रहेगा अपने पास, ये बेस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ट्री बहुत काम में आएगा। सो ब्रांचेस, सो दिस बॉल इज वॉट, ये हो गया नोड एंड यू हैव फर्स्ट बैग 1, सपोज दिस इज अ बैग नंबर 1। सो यहाँ पे आ गया बैग 1, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल टेल यू इन डिटेल एंड दिस इज अ बैग नंबर 2।
okay na, this is a bag 1 and this is a bag 2. So bag 1 contains 3 red balls and 4 black balls, while bag 2 contains the 5 red and 6 black balls. Now tell me, what is the probability of selection of bag 1? Probability of selection of bag 1 is what? Half. P of B is half because there are 2 bags, B1. So probability of B1. And the probability of B2 will be what? It is again half. Probability of B2 is again half. Yes, very good. Now see here, if once you have selected the bag number 1 and you are drawing a red ball, you are drawing a red ball. See how I am writing. After selection of bag number 1, you are drawing a red ball. See, is it understood? See, probability of red when B1 event has already occurred, this is the meaning of your conditional probability. That's why I told you, while we are studying the conditional probability, that it is very important. We require that in the future classes. So this is our that future classes. Okay, so this is what the probability of red ball when B1 box 1 is selected. So probability of red ball kitna hai from the B1, it is nothing but 3/7. So this is nothing but 3/7. Now can you tell me, if I select the bag 2 and I am finding the red ball, what is the probability? Is 5 red ball out of 11, so it is 5/11. Idhar kya aayega bhai? Probability of what? It is a red ball when B2 event is occurred. Means what? See, this branch is for B2, box B2, and this branch is for B1 box. Ye total matlab, this is what B1 is selected, this is what red ball is selected. Idhar kya aayega fir? And A, B1 selected and red ball is drawn. Matlab kya? 1/2 and 3/7. Means what? The red ball is drawn from the B1, which is nothing but 3/14. Okay. Next, now you have selected B2 and drawn the red ball. So here you will have 1/2 and 5/11, which is nothing but 5/22. Once you get this tree branch, that's it. You get the answer here. Now can you tell me, be red ball, total red ball ki probability kitni ho sakti? Red ball you can draw either from bags box 1, so either you have red ball either from box 1 or from the box 2, or barabar hai na? So probability of red ball kya hoga total? Means what? This or this, if you do addition of these two, what you will get? 3/14 plus 5/22. This is what? This is the total probability of red ball, which is 3/14 plus 5/22. But what you want? You want is the probability that it is drawn from the box number 2. You want the probability of box from 2. Now how you will write this in conditional probabilities? You want the probability of box number 2 when red ball is drawn. Box number 2 ki probability nikalne hai when red ball is drawn. So this is what? So probability means what? Favorable conditions divided by total number of conditions. So favorable options kaun sa hai iske liye? Probability of box 2 ki favorable options kaun sa hai? This is what? This is my favorable option for box 2, which is 5/22 divided by total probability n of s, which is 3/14 plus 5/22. That's it. This is your answer. Yes, this is your answer. Please trust me, this is the simplest method with which you can solve the Bayes theorem. If you see your board ka exam or other any method, to get the answer it requires minimum 1 page and with so many formulas. But here you don't require any formula. What you require is just this tree diagram. That's it. Okay. So agar ye question samajh mein aaya to leave it. We'll see the next question. ये question होने के बाद पहला question आपको समझ में आने वाला है, ठीक है? Suppose there is a co-education school having 60% boys and 40% girls as a students. Okay, ठीक है? The girl students have secured first class and second class, ठीक है? In equal numbers, okay, अपने पास 40% students girls है, तो 20%
फर्स्ट क्लास हो गए एंड 20% सेकेंड क्लास हो गए, ओके नो प्रॉब्लम. ऑल बॉयज सिक्योर फर्स्ट क्लास, वेरी गुड. 60 के 60 परसेंट बच्चे फर्स्ट क्लास है, बट गर्ल्स आधे फर्स्ट क्लास एंड आधे सेकेंड क्लास. अ टीचर सेलेक्ट्स अ स्टूडेंट रैंडम एंड वेरीफाइज द रिजल्ट. द टीचर ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन एन एग्जामिनेशन. वेरी गुड. विच इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड इज फर्स्ट रैंक इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. क्या किया है, टीचर हैज सेलेक्टेड अ स्टूडेंट. ठीक है भाई, अपने पास सपोज देर आर 100 स्टूडेंट्स, ओके सपोज आउट ऑफ दिस 100 स्टूडेंट्स टीचर हैज सेलेक्टेड वन स्टूडेंट एंड दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ फर्स्ट रैंकर. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय द फर्स्ट रैंकर द सेलेक्टेड फर्स्ट रैंकर इज अ बॉय और गर्ल. प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है कि द सेलेक्टेड रैंकर शुड बी गर्ल. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल when first ranker is already occurred. So this is what we have to find out. So no problem, let's find out tree diagram nikalo. So tree diagram is the only tool you can find answer to any Bayes theorem question. So 60% boys you also see it is a 6 by 10, so and 40% boys girls so 4 by 10. So 60% ke total 60% are what, 6 by 10 are the first ranker total. So this I am erasing here. So total 60, total boys are what, these are the, they are the first ranker. But what about the girls, only 20%, half of the bola hai na, only 2 by 10 are the first ranker. So what I am doing is, what I am finding is probability of first ranker given they are boys. This is that probability of first ranker given they are girls. So what is your total probability for first ranker boys is 36 by 100. What about this, it is 8 by 100. So what is total probabilities, 36 plus 8 is nothing but 44 by 100. This is what total probability for your first ranker, yes or no. But kya puch rahe ki bhai, I want a girl to be first ranker. So what is this, so which is your favorable branch, the favorable branch. Are kya ho gaya bhai, aa ja. So the favorable branch is what, girl ka favorable branch is. So this is what, this is a favorable branch, 8 by 100. So 8 by 100 divided by 44 by 100, this is a favorable branch. So 8 by 44, which is nothing but 2 by 11. So 2 by 11 is the answer. Yes, getting. So see, in every question what we have done is जो इवेंट ऑलरेडी अकर हुआ है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले. दिस इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी. एंड इन द क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड गर्ल पूछा है तो द फेवरेबल ब्रांच वी हैव फाउंड आउट. ओके बस यही दो स्टेप करना है आपको. ओके सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 एंड ई2 आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट. सो दिस डेफिनेशंस वी ऑलरेडी सीन इन आवर फन क्लास नंबर 1. एंड पी ऑफ ए गिवन ई1 is 0.2 and P of A given E2 is 0.3. find P of E1 given A. कितना confusing है ना, क्या दिया है क्या नहीं दिया है वही समझ में नहीं आ रहा है. कुछ नहीं है यार, tree diagram निकालो. So let's start. So two dots E1 and E2 A. So let's take this E1 and E2. Probability of A when E1 is given. So see, E1 and E2 की probability क्या है, it is 1 by 2 एंड इसका भी 1 by 2. सपोज दिस इज E1 एंड दिस इज E2. सो दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसा बोलना है उसको. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. इट इज 1 by 2 1 by 2. नेक्स्ट थिंग इज वॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेन E1 इज हैपन्ड. E1 इधर हैपन हुआ है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेन E1 इज हैपन्ड विच इज 0.2. हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 is happened, which is 0.3. I hope अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना. अरे समझ में आएगा ना पक्का. So total probability of A क्या होगा. So what, E1 में से A निकाल रहे हो यहाँ पे. So इसका probability कितना है. So it is 1 by 2 into 2 by 10. I will write, ठीक है. Here 1 by 2 into 3 by 10. Okay. So total probability means what, इन दोनों का addition. ये कैंसिल करने का नहीं, डोंट कैंसिल इट सो दैट द डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. सो इट इज 2 by 20
plus 3 by 20. So which is nothing but 5 by 20. Okay, so this is what the total probability is. But what is the asked probability is? It is the probability of even they are asking. Probability of even when A is occurred. Probability of even when A is occurred means what? Which branch is in your favor? E even ki probability apne favor mein. This probability means what? This probability is in my favor. Which is nothing but 2 by 20 is in my favor divided by total probability, which is 5 by 20. So your answer is what? It is 2 by 5. That's it. Simple. Dekho bhai samjha raha hu isliye itna time lag raha hai. Theek hai? Itna time lagna hi nahi chahiye aapko. I hope it is clear now. Okay? It's very very simple. So let's see the second question. See one more thing what I can tell you is probability question kaisa samajh mein aana chahiye. Ek to probability ka basic हम लोग क्या बोलते हैं कि बेस टाइप का क्वेश्चन से यार लेंदी रहते हैं. ओके ये देखो ना, ये 1 2 3 4 5 लाइंस का एक क्वेश्चन है. एंड वन मोर थिंग, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू गेट दैट गिवन दैट इफ इट हैज ऑलरेडी अकर्ड ऑब्जर्व दैट, ये कीवर्ड्स है ना, यू कैन फाइंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द बेस थ्योरम. ओके चलो भाई, ये क्या बोल रहा है डॉक्टर? A doctor assumes that a patient has one of three diseases D1, D2 and D3. ठीक है. Before any test, he assumes an equal probability for each disease. मतलब क्या है? अगर आपके पास तीन लोग हैं, तो equal probability means what? वो तीनों को उसमें से एक D1 का रहेगा, एक D2 का रहेगा, D3 का रहेगा. Means what? Probability is what? It is 1/3 probability. D1, D2 and D3. ये D1 की probability है, ये D2 की है एंड ये D3 की है. सो प्रोबेबिलिटी कितना है? इट इज़ 1/3, इट इज़ ऑल्सो 1/3 एंड इट इज़ ऑल्सो 1/3. दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी. गेटिंग? ओके कोई बात नहीं. चलो, ही कैरिड आउट अ टेस्ट दैट विल बी पॉजिटिव विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8. अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.8. इफ़ द पेशेंट हैज डिसीज D1, ठीक है, मतलब इफ सपोज ही इज हैविंग द D1 डिसीज उस एंड टेस्ट इज पॉजिटिव आने की चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी इज 0.8. मतलब सपोज एक बंदा आया अपने पास, ठीक है, एंड ही इज सफरिंग विद द D1 डिसीज. अगर डॉक्टर ने उसके ऊपर टेस्ट किया तो 0.8 चांसेस है, 0.8 इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही इज गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट. समझ में आ रहा है? इफ डिसीज इज D1, then 0.8 is the probability for positive test. So how you will write this? Probability of positive test when D1 is occurred. तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? Probability of positive when D2 is occurred. And यहाँ पे आएगा probability of positive when D3 is occurred. D2 की probability कितनी भाई positive आने की? 0.6. D3 की probability कितनी? It is a 0.4 positive आने की. अभी देखो, गिवन दैट द आउटकम ऑफ अ टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब क्या है? टेस्ट करने के बाद कि भाई पॉजिटिव आया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉजिटिव पेशेंट इज फ्रॉम डिसीज D2, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है. मतलब क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 व्हेन इट इज पॉजिटिव, दिस दे आर आस्किंग. सो प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? इट इज अ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टोटल नंबर. सो टोटल नंबर विल बी व्हाट? इट इज 8 by 10 एंड 1/3 इज 8 by 30. इधर कितना है? इट इज 6 by 30. ओके एंड इधर कितना है? इट इज 4 by 30. सो एडिशन कितना होगा तीनों का? तीनों का एडिशन होगा ये 6 4 10 एंड 18 by 30 इज द एडिशन. दिस इज व्हाट टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट. ओके नाउ विच इज योर फेवरेबल? कौन सा पूछा है? D2 का पूछा है. सो D2 का इज, दिस इज माई फेवरेबल ब्रांच, दिस इज माई फेवरेबल. सो वॉट टू डू? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 वेन इट इज पॉजिटिव इज नथिंग बट इट इज 6 by 30, दैट इज फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल. इट इज 18 by 30 विच इज नथिंग बट 6 by 18 विच इज नथिंग बट 1/3. सो 1/3 इज योर आंसर. समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए यार, अभी तक तो आना चाहिए. ठीक है, अगर फिर से नहीं आ रहे तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, फिर से देख लो ना एक बार वीडियो. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A computer game software company is testing two brand new games. So first is a car game and another is a war game. क्या है भाई, एक कंप्यूटर गेम बनाने की कंपनी है, वो उन्होंने एक कार गेम और एक वॉर गेम बनाया. कंपनी आस्क ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन टू चूज द गेम दे मोस्ट वांट टू प्ले. 80% ऑफ द स्टूडेंट्स चूज अ कार गेम एंड रिमेनिंग वॉर गेम. तो अभी तक समझ में नहीं चुकी कि भाई ब्रांच कैसे निकालना है. तो कौन से दो इवेंट्स है अपने पास, एक कार गेम का इवेंट है, एक वॉर गेम का. सपोज ये कार गेम है एंड ये दिस इज अ वॉर गेम. सो कार के लिए कितने बच्चे हैं अपने पास, 8/10, 80% है ना, 8/10. वार के लिए कितने हैं, रिमेनिंग मतलब 2/10. ओके ओके वेरी गुड, ये तो हो गया भाई. नेक्स्ट, फ्रॉम द चिल्ड्रन हु सेलेक्टेड अ कार गेम, ये इधर 60% एंजॉयड अ गेम एंड फ्रॉम अ चिल्ड्रन हु सेलेक्टेड अ वॉर गेम 70% एंजॉयड द गेम. गिवन दैट चाइल्ड एंजॉयड, सी अगेन गिवन दैट आ गया है, ठीक है, गिवन दैट द चाइल्ड एंजॉयड द गेम, एंजॉय किया है चाइल्ड ने, ठीक है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एंजॉइंग वॉर गेम. समझ में आ रहा है कि भाई सपोज अपने पास 100 बच्चे हैं, 100 में से मैं एक रैंडमली एक बच्चे को उठाया और उसको पूछा कि भाई एंजॉय कर रहा है क्या, उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार गेम एंजॉय कर रहा है या वॉर गेम एंजॉय कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सपोज अ कार गेम है, सो कार गेम एंजॉय करने के बच्चे कितने हैं, 60% एंजॉयड द गेम, सो इट इज 6/10. एंड वॉर गेम के लिए कितना है, इट इज 70%, तो यह गया भाई 7/10. सो टोटल प्रोबेबिलिटी देखो कार की, सो इट इज 8×48, सो इट इज 48/100. इधर आ जाओ, इधर कितना है, इट इज 14/100. ओके, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स वॉट, इट इज आइदर वॉट, आइदर ही एंजॉयड गेम फ्रॉम कार और फ्रॉम द वॉर. द टोटल प्रोबेबिलिटी इज, इट इज 48 + 14 / 100. So which is nothing but 58 and it is a 62/100. Getting? Okay, very good. ये हो गया भाई मेरा total probability of what? It is enjoyment. But what they are asking is probability of war game given it he is enjoying. So which is my favorable branch? Favorable branch war की रहेगी ना अभी. This is war. So the favorable branch is 14/100, so divided by total is what, it is 62/100. So your answer is what, 14/62 is your answer. Yes or no? Okay, the next question is, suppose you have a large barrel containing a number of plastic eggs. Some eggs contains pearls, the rest contains nothing. Okay, अपने पास कुछ eggs है, उसमें से कुछ eggs में pearls है, कुछ eggs में नहीं है. Okay, some eggs are painted blue and the rest are painted red. अच्छा ये भी केस है, ठीक है. एंड द रेस्ट आर, मतलब दो कलर्स के ही एग्स है अपने पास, एक तो ब्लू कलर के हैं एंड एक तो रेड कलर के. सो राइट डाउन दोज टू, वन इज ब्लू, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज व्हाट, कितना है, सपोज दैट 40% ऑफ एग्स आर पेंटेड ब्लू, सो इट इज 4/10. एंड तो रेस्ट बोला, तो रेस्ट कितना रहेगा, रेड कितना रहेगा, इट इज 6/10. रेड कितने हैं, 6/10. सो अभी देखो, 5/13 ऑफ एग्स कंटेनिंग पर्ल्स आर पेंटेड ब्लू, मतलब ब्लू में जो है ना 5/13 एग्स पर्ल्स है. सो ब्लू एंड उसमें 5/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द पर्ल्स. सो दिस बिकम्स योर प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्ल्स व्हेन बी वन और ब्लू वन इज सेलेक्टेड. Similarly, if you come this side, they have given 20% of the red eggs are empty. Matlab 80% of the red eggs contain the pearls. So this is what, it is a probability of pearls given it is red. So probability of pearls kya ho gaya? From blue, it is 4/10 into 5/13. Idhar kitna gaya? It is 6/10. Into 8/10. So this is coming to be equal to 20/130 and this is 48/100. So the total probability is what? Addition of these two, total probability. So it is 20/130 + 48/100 is the addition of these two. Okay. Now what they are asking is, what is the probability that an egg is painted blue?
contains pearl. So pearls की probability पता है अपने को, तो blue की probability है. So which is your favorable branch here? So this is my favorable branch. Okay, this is my favorable branch. So what to do is, this is the favorable divided by total. So it is 20 by 130 divided by 20 by 130 plus 48 by 100. So this is your answer to this question. Okay, simplify कर लो यार. Concept, okay, concept पे ध्यान दो. What is the problem that an egg painted blue contains a pearl? Contains a pearl की, this is what, this is already happened event. Yeah, happen हो गया. So that's why we have taken in the denominator. This is painted blue की when pearl is there. ठीक है. So I hope you are understanding these questions. Next, again one simple and important question. Suppose there are two bowls full of biscuits. Bowl 1 has 10 chocolate biscuits and 30 cream biscuits, while bowl 2 has 20 each. Jetalal picks up bowl at random and then picks a biscuit at random. We may assume there is no reason to believe Jetalal treats one bowl differently from another. इसका meaning क्या है? मतलब ये 50-50 chances की वो bowl 1 से और bowl 2 से निकालने का. Okay, तो write down. 50-50 chances से मतलब क्या है? ये 1/2 for your bowl 1 and it is 1/2 for your bowl 2. Okay, na? Now, the biscuit turn out to be cream 1. See, ये cream 1, cream biscuit की event हो चुकी है. How probable is that the Jetalal picked it from bowl 1? Cream biscuit तो उठाया उसने, तो bowl 1 से उठाने की probability कितना है? क्रीम की प्रोबेबिलिटी निकाल. सो बी वन से क्रीम की प्रोबेबिलिटी निकालो. सो क्रीम इट इज़ 30 out of 40. सो इट इज़ 3/4, 30/40. एंड क्रीम बिस्किट फ्रॉम बी टू कितना है? क्रीम बिस्किट फ्रॉम बी टू इट इज़ 1/2 बिकॉज इट इज़ 20 ईच. सो इट इज़ अगेन 1/2. सो निकालो टोटल प्रोबेबिलिटी क्रीम फ्रॉम बी वन इट इज़ 3/8. ओके ना. एंड हियर वी हैव 1/4. Okay, इसको you can write is a 2/8. So that we can add these two. So what is total probability? Is 3/8 plus 2/8, which is nothing but 5/8. This is the total probability for your cream, for your cream biscuit. Okay, what they are asking is biscuit turn out to be cream, the probability that is a picked from bowl 1. So probability of bowl 1 when it is a cream biscuit. सो बाउल वन पूछा है तो दिस इज माई फेवरेबल ब्रांच, ये फेवरेबल ब्रांच हो गया. सो इट इज 3/8 डिवाइडेड बाई, सो टोटल इज 5/8. सो 8/8 कैंसल्स, द आंसर इज व्हाट इट इज 3/5 इज द आंसर. गेटिंग? वेरी वेरी इजी. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चंस. एंड हियर कम्स द मोस्ट अवेटेड स्लाइड. यस, विनर्स ऑफ द फन क्लास नंबर 06, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, जिन्होंने आंसर सही लिखा है उनका ही नाम है यहाँ पे. इफ़ योर नेम इज़ नॉट हियर प्लीज़ डोंट वरी, अगेन यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली इन दिस वीडियो ऑल्सो वी हैव द क्वेश्चन. ठीक है, फिर से सॉल्व करो. वंस अगेन यू हैव अ चांस टू गेट योर नेम. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो टेक अ चैलेंज, अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गेट अ चांस टू डिस्प्ले योर नेम इन योर नेक्स्ट वीडियो. अ बॉक्स कंटेंस 1/2 ब्लैक एंड 3 balls. So based on these questions which we have seen in this video, you can solve this question easily. Okay, so we'll stop here. Thank you for watching this video. ठीक है, क्या करना है आपको? ये एक राउंड आएगा इधर ऐसा. ठीक है, उसको सब्सक्राइब, जस्ट क्लिक ऑन दिस राउंड सर्कल. ये मेरा फोटो आएगा यहाँ पे ऐसा. ठीक है, so just click on that photo so that you will directly get subscribed to my channel so that you won't miss any upcoming videos. Comment section में definitely करना क्या है आपको? Answers लिखने हैं so that you will be qualified to get displayed your name in the next video. Thank you once again.